हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी फैशन बुटीक। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे कोल्ड शोल्डर स्लीव विद पाइपिंग। पाइपिंग के साथ बनाएंगे बहुत इजी वे में, मैं आपको सिखाती हूँ बहुत आसान तरीके से। उसके लिए हमें चाहिए न्यूज़पेपर, और जिस कपड़े की पाइपिंग बनानी है वो कपड़ा, और हमारी मेन स्लीव्स जो कि हमारी स्लीव्स कपड़े में लगने के लिए हमने कटिंग की थी वो। सबसे पहले हम स्लीव्स को ऐसे रखेंगे और हमें जितना बड़ा कट लगाना है अपनी शोल्डर्स की तरफ उसके लिए मार्क करेंगे। तो हम मार्क करेंगे ऊपर से 2.5 इंच, साइड से 1.5 इंच। इसमें हम थोड़ी सी गोलाई देंगे, आप चाहें तो ये कट और बड़ा या छोटा भी बना सकते हैं। तो हम इसकी यहां से कटिंग कर लेंगे। इतना बड़ा कट आएगा हमारे शोल्डर पर, आप देख सकते हैं। ये कपड़ा है जिससे हमें पाइपिंग बनानी है, तो इसे हम कट कर लेंगे। हमें इसे स्ट्रिप्स में कट करना है इस तरह। इन पट्टियों की चौड़ाई लगभग 1.5 इंच है। आप भी इसी तरह कोई भी पट्टी काट सकते हैं, जिस भी कलर के आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं। सबसे पहले इस तरह पट्टियां काटेंगे, फिर इन पट्टियों को फोल्ड करेंगे। फोल्ड किस तरह करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक बार इस तरफ से, एक बार इस तरफ से, बहुत ही सिंपल तरीके से फोल्ड करना है ऐसे। ये देखिए, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे बिल्कुल सेंटर में। फिर ये पाइपिंग बनके तैयार हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह, पहले सिलाई लगाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ पाइपिंग। ये देखिए, हमने कपड़े को मोड़ लिया है और इसकी ये पाइपिंग बन चुकी है। अब कपड़े पर पाइपिंग किस तरह लगानी है मैं आपको बताती हूँ। ये रखिए हमारी स्लीव्स, ये हमारे सूट की बाजू है, बाजू का ये सीधा हिस्सा है। सीधे हिस्से की तरह हम इस पाइपिंग को इस तरह रखेंगे। ये जो इसका दिख रहा है धागे दिखने वाली साइड है, इसको नीचे की तरफ कर देंगे। ऊपर ये प्लेन वाली साइड रखेंगे और इसको इस तरह इसके ऊपर रखेंगे। और आपको जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए आप यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरह। आप इस तरह पाइपिंग की सिलाई लगाएंगे, यहाँ से जितनी चौड़ी पाइपिंग आपको चाहिए उतनी दूरी पर सिलाई लगा देंगे इस तरह। पूरे कपड़े में लगा देंगे। मैं लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह। ये देखिए, इस तरह मैंने इसको सिल लिया है। ऐसे ही मैंने दूसरी बाजू को भी सिल दिया है, देखिए। अब इसे इस तरह सिलने के बाद, हमने इसे इस तरफ से सिला था ऐसे, जितनी जितनी हमें पाइपिंग चाहिए थी उतनी दूरी पर हमने ये सिलाई लगाई है। अब इसके बाद हम इसे इस तरह मोड़ेंगे, इस तरह हमारी पाइपिंग दिखने लगेगी। ये देखिए इस तरह, और इसको प्रेस से सेट कर लेंगे। उसके बाद न्यूज़पेपर लेंगे और न्यूज़पेपर पर जो हमने बाजू के बीच में से कटिंग निकाली थी उसे इस तरह रख के चारों तरफ से मार्क कर लेंगे। ये देखिए, जो कटिंग हमने निकाली थी ये उतनी ही है, और इसको इस तरह से इस तरह मार्क कर लेंगे। अब इस पर अपनी स्लीव्स को रखेंगे इस तरह, और इस पर मशीन से कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरह से रखते हुए। कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें ये पेपर बाद में हटा देना और सिलाई भी खोल देनी है। तो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ।
ये देखिए हमने दोनों बाजुओं को अखबार पर सेट कर लिया है, दोनों पेपर पर सेट हो चुकी हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर को हम कट कर देंगे। दोनों बाजुओं को एक के ऊपर एक रख के आगे की कटिंग लगाएंगे। जो बाजू की आगे की शेप होती है वो हमने पहले नहीं दी थी, तो हम अभी देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों स्लीव सब तैयार है अपने कपड़े पर सेट करने के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।